नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 3, शब्द विचार। दिए गए चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं, इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे। प्रिया कक्षा में प्रथम आई, मोर नाचा, स्पर्श विद्यालय गया। इन वाक्यों में कई सारे वर्ण समूह हैं, मतलब तरह तरह के वर्णों के मेल से शब्द बने हैं और फिर उन शब्दों से वाक्य बने हैं। तो इन वाक्यों में बहुत से वर्ण समूह हैं। ये सभी वर्ण समूह जैसे प्रिया, कक्षा में प्रथम आई, मोर नाचा, स्पर्श विद्यालय गया, सार्थक ध्वनियों के संयोग से बने हैं। ये सभी शब्द हैं। तो जो भी वर्ण समूह सार्थक ध्वनियों के संयोग से बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ आप देख सकते हैं शब्द का वर्गीकरण अर्थ, उत्पत्ति, प्रयोग और रचना। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, सबसे पहले है सार्थक शब्द। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, कमल, पानी, पर्वत आदि। तो ये जो वर्ण समूह है इनका कोई अर्थ निकल रहा है इसलिए ये सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्दों के प्रकार, सार्थक शब्दों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अब है पर्यायवाची शब्द। जो शब्द अर्थ में समान होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य के पर्यायवाची हैं भानु, भास्कर, रवि, दिनकर आदि। अब है विलोम शब्द। जो शब्द अर्थ में विपरीत भाव प्रकट करते हैं, मतलब 2 शब्दों के अर्थ जो हैं वो विपरीत होते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे चल अचल, आदर अनादर आदि। एकार्थी शब्द, जो शब्द प्रत्येक स्थिति में समान अर्थ देते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, अगर नदी है तो नदी का अर्थ नदी ही है। आकाश, पुस्तक आदि, इनके 2 अर्थ नहीं हो सकते। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जो परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। जितनी परिस्थितियां होती हैं उसी हिसाब से उनके अर्थ निकलते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मन, हृदय, एक तौल, कर, काम, हाथ, टैक्स करके ये 3 अर्थ हैं। ऐसे ही मन के, हृदय, एक तौल, ये अलग अलग अर्थ हैं। दूसरे हैं निरर्थक शब्द। अभी हमने पढ़ा सार्थक शब्द, अब है निरर्थक शब्द। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ भी अर्थ ना निकले या जिसका अपना कोई भी अर्थ ना हो, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, चाय वाय आदि। यहाँ प्रयुक्त वाना और वाय शब्द निरर्थक शब्द हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम बोलचाल में सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग करते हैं। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद करने के लिए शब्द की उत्पत्ति अर्थात जन्म को देखा जाता है कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है तथा उसके मूल से उसका संबंध जोड़ा जाता है। अतः इस आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, घृत, मित्र, पृथ्वी, अग्नि
आदि। ये संस्कृत के शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब है तद्भव शब्द। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं मगर हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सांप, दूध, धरती, आम, कान आदि। कुछ शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण के लिए शब्द दिए हुए हैं। तत्सम तद्भव, कर्म काम, व्याघ्र बाघ, सूर्य का तद्भव हो गया सूरज, नासिका संस्कृत शब्द है, नाक तद्भव, स्वर्ण सोना, अग्नि आग, मयूर मोर, मुख मुंह, सत्य सच, घृत घी, हस्ती हाथी, घट घड़ा। तो जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत के मूल रूप के तो वो और तद्भव वे शब्द हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं। अब है देशज शब्द। वे शब्द जो अपने ही देश की विभिन्न बोलियों में से निकाल कर हिंदी में शामिल किए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अपने ही देश की जो विभिन्न बोलियां हैं उनमें से निकाल कर हिंदी में शामिल किए गए हैं। उदाहरण, जूता, थैला, गाड़ी, रोटी, पानी, चुईया, सरपट, चुटकी, मिर्च। अब विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, अंग्रेजी से हम किन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं, रेल, कंपनी, साइकिल, डॉक्टर आदि। फारसी से नश्तर, ज़रूरत, फ़कीर, तश्तरी आदि। अरबी से सबूत, खबर, अखबार, शिकायत आदि। चीनी से चाय, तूफान आदि। तो अभी तक तो ऐसा ही लगता था कि ये जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा के शब्द हैं लेकिन ये विदेशी शब्द हैं। ये विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी में शामिल किया है। चलिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। अतः वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त करते समय लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो वो वचन, लिंग और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। विकार के उदाहरण देखिए, संज्ञा लड़की, लड़कियां, लड़कियों। सर्वनाम में यह, ये, इसने, इन्होंने। विशेषण, पीला, पीली, पीले। क्रिया, लिखना है, लिखा, लिखेगा। तो ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनको वाक्य में प्रयुक्त करते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में चार होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण का उदाहरण है, जल्दी घर चलो। संबंध बोधक का, रमा ने भात खाया। समुच्चय बोधक, शीला और रत्ना बहने हैं। विस्मयादि बोधक, अरे तुम आ गए। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहे हैं नीले रंग के शब्द, ये हैं अविकारी शब्द। इनको वाक्य में प्रयुक्त करते हुए इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते। अब सबसे आखिर में है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद माने जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द,
ये शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनका विशेष अर्थ होता है, परंतु इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जब ये मिले हुए होते हैं तब इनका अर्थ रहता है, लेकिन इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे पानी, लकड़ी, शेर आदि, खंड करने पर पा प्लस नी, ल प्लस क प्लस ड़ी, शे प्लस र, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द, जो शब्द कई शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द पृथक किए जाने पर, मतलब अलग किए जाने पर, प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे हिम प्लस आलय क्या बना? हिमालय। वायु प्लस यान, वायुयान। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग अर्थ देते हैं का मतलब है, जैसे कि विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ है घर, तो ज्ञान का घर हो गया विद्यालय। आगे है योग ऋण शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, सामान्य अर्थ क्या है? दश, दस, आनन, मुख वाला। विशेष अर्थ क्या है? कौन है दशानन? रावण। इस प्रकार दशानन शब्द रावण के लिए प्रचलित है। तो बच्चों, पाठ का पाठन यहाँ समाप्त होता है और अब हम देखेंगे क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताओ। तो यहाँ पर आप अपने पाठ का पाठन करेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये आप स्वयं करेंगे। सार्थक और निरर्थक शब्द से आप क्या समझते हैं? सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विदेशी भाषा से लिए गए कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं वो शब्द? रेल, कंपनी, अखबार, तश्तरी, चाय, तूफान, नश्तर, ज़रूरत आदि। अविकारी शब्दों के प्रकार बताओ और रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरो। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जिस वर्ण समूह का अर्थ निकले वह शब्द सार्थक होता है। संस्कृत के बदले हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। जो शब्द विशिष्ट अर्थ देते हैं वे योग ऋण शब्द होते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। आप मेरे साथ ही इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के चार चार उदाहरण लिखो। तत्सम शब्द के उदाहरण सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, मित्र। तद्भव के दूत, सांप, धरती, आम। रूढ़ यौगिक और योग ऋण शब्दों के चार चार उदाहरण लिखो। रूढ़ के नाक, कान, पीला, शेर। यौगिक हिमालय, वायुयान, देशवासी, विद्यालय। यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। योगरूण, योगरूण, लंबोदर, दशानन, महावीर, पंकज। देशज और विदेशी शब्दों के चार चार उदाहरण लिखो। देशज के हैं जूता, थैला, गाड़ी, रोटी। और विदेशी है रेल, ज़रूरत, डॉक्टर, अखबार। तो बच्चों, अब जो प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे और अपने पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।